नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। आज हम बात करेंगे ये जो आप सामने धान की फसल देख रहे हैं इसके बारे में। मैंने इस धान की फसल को अब तक किन किन उर्वरकों का धान की फसल में प्रयोग किया है मैं इस बारे में आपको बताऊँगा, और आपको मेरी धान की फसल कैसी लग रही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका क्या उत्पादन आ सकता है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या मेरी फसल सही है या इसमें कुछ कमी आप लोगों को दिखाई दे रही है? यदि आप लोगों के कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको जानना है कि मेरी वीडियो में जो फसल आपको दिखाई दे, जो मेरी धान की फसल आपको दिख रही है, इसमें मैंने किन किन उर्वरकों का प्रयोग किया है, उन सबको यदि आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि आपको नहीं जानना है तो आप वीडियो से बाहर भी जा सकते हैं, वीडियो को रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और पास वाले बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, इस खेत में मैंने जब खेत की तैयारी की थी तो मैंने इसमें 2 से 3 ट्राली जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, मैंने उसकी 3 ट्राली अपने खेत के अंदर डलवाई थी और इसे अच्छे से जुताई इसकी मैंने करवा दी थी। धान की रोपाई से पहले मैंने इसके अंदर 70 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम एनपीके और साथ में 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रेंट्स का प्रयोग किया था। और इतना सब कुछ करने के बाद लगभग 30 दिन के बाद मैंने अपनी धान की फसल के अंदर 5 किलोग्राम चिलेट जो जिंक आती है आपकी, 5 किलोग्राम जिंक, 10 किलोग्राम सागर आती है इफको की और 30 किलोग्राम यूरिया, इन तीनों को मैंने मिक्स करवा कर अपने खेत के अंदर डलवाया था। और इस टाइम पे मेरी फसल में एक स्टीम बोरर की हल्की सी समस्या देखने को मिली थी, जिसमें मैंने क्लोरोपेरीफास का स्प्रे करवा दिया था और जो स्टीम बोरर की समस्या थी इसका निदान मेरी फसल के अंदर हो गया था। उसके बाद मेरी फसल में किसी भी तरह का कोई रोग देखने को मुझे नहीं मिला। इसके लगभग 30 दिन के बाद मैंने अपनी फसल के अंदर, माफ़ी चाहूँगा, 30 दिन का कहा मैंने, लगभग इतने करने के बाद मैंने 4 से 5 दिन के बाद इसमें परटेगो जो आती है ये सिंजेंटा कंपनी की, इसकी मात्रा का मैंने उपयोग किया, जिसमें मैंने इसकी 3 किलो मात्रा ली थी 1 एकड़ के लिए और 10 किलो यूरिया में मैंने इसे मिक्स करवा के और साथ में मैंने इसमें 5-7 किलो रेता मिलवा कर इसकी बुखराई मैंने अपने धान की फसल में अच्छे से करवा दी थी, ताकि मेड़ा अच्छा से बना रहे मेरी फसल का और उत्पादन भी अच्छा निकल सके। फसल आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं फसल मेरी कैसी हो रही है। अभी इसमें जो बालियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं, अभी बालियाँ पूरी निकली नहीं हैं लेकिन निकलनी शुरू हो गई हैं, और इसके लगभग 25 दिन के बाद, यानी कि जब मेरी फसल 55 दिन के आसपास हो गई थी, तब मैंने इसके अंदर दोबारा से 20 किलो पोटास, 30 किलोग्राम यूरिया, इन दोनों को मिक्स करवा के मैंने दोबारा से अपनी फसल के अंदर इसका छिड़काव करवा दिया है। अब इस फसल की जो इस टाइम पे एज की यदि मैं बात करूँ तो लगभग ये इस टाइम 72 से 73 दिन के आसपास की मेरी फसल हो चुकी है। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैदावार है वह कैसी हो सकती है। आपको यदि कुछ सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाले समय में अपनी फसलों में अच्छा कर सकूं और आपके लिए भी एक अच्छी राय दे सकूं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।